लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तुम्हारे पास है ही क्या कीमत चुकाने के लिए? यश, नाम, रुपया, जिस दिन तुम्हारी असलियत सामने आ जाएगी रेखा, ये सब चीजें मिट्टी में मिल जाएंगी। जो लोग तुम्हारा पतिव्रता का अभिनय देखकर तालियां बजाते थे, वो तुम पर थूकेंगे। बस बस बंद करो, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बोलो बोलो, क्या सजा देना चाहते हो? क्या कीमत चाहिए तुम्हें? ये तुम्हें भूल ही गया कि कीमत चुकाने के लिए अब भी तुम्हारे पास कुछ बाकी है। ये आंसू। लेकिन जिस दिन असली कीमत का पता चल गया रेखा देवी, उस दिन ये आंसू भी सूख जाएंगे। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। हाँ दार्जिलिंग, हेलो मिठुन, मिठुन मैं पापा बोल रहा हूँ। हाँ मैं कल आ रहा हूँ बेटे, फिर तुम और मैं बम्बई चले। अच्छा, गुड नाइट बेटा, मैं कल तुमसे मिलता हूँ। नहीं नहीं, तुम मिठुन को नहीं ले जा सकते। मिठुन पर तुम्हारा कोई हक नहीं। मेरा कोई हक नहीं, हक तो सिर्फ तुम्हारा है क्योंकि तुम उसकी माँ हो। लेकिन सिर्फ कहने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए। तुम्हारे पास तो जो मां का दिल था, वो तुमने अरमानों की चिता में जला के राख कर दिया। तुम एक दिल में नहीं, हजारों दिलों में एक साथ बसना चाहती थी, इसीलिए आज ना तो तुम किसी की मां हो, ना ही किसी की पत्नी। तुमने अपना तन मन सब कुछ अपनी एक ख्वाहिश के लिए दुनिया के बाजार में बेच दिया। आज तुम लाखों दिलों की तमन्ना हो, दुनिया की नजरों में उर्वशी हो, मेनका हो, सुनीता देवी हो। तो सुनीता देवी, गुड नाइट। ठीक है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम मिठुन को कैसे ले जाते हो। मिठुन को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। मैं बहुत थक गया हूँ सुनीता देवी, सोना चाहता हूँ। कल सुबह मुझे प्लेन पकड़ना है। गेट आउट। ड्राइवर, हमें इसी वक्त दार्जिलिंग चलना है, जल्दी चलो। सुनीता देवी, आप? फादर, क्या यही आपके स्कूल की शान है? क्या यही आपके स्कूल का डिसिप्लिन है? क्या बात है सुनीता देवी? क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? मेरा बेटा आपके स्कूल में पढ़ता है, क्या उसे किसी भी वक्त कोई भी आकर उसे मिल सकता है? और वो मुझे धमकी दे रहा है कि वो मेरे बेटे को यहाँ से ले जाएगा। क्या आपके स्कूल का यही कायदा है कि कोई भी आकर मेरे बेटे को यहाँ से ले जा सकता है? कोई कौन है सुनीता देवी? सुमित को जो ले जा रहा है उसका नाम है अमित रॉय। सुमित की एडमिशन के वक्त आपने खुद अपने हाथ से लिखा था कि अमित रॉय सुमित का जन्मदाता है। आपने सिर्फ ये लिखा था कि वो जिंदा नहीं है। सुनीता देवी, बाप अगर बेटे को ले जाना चाहे और बेटा बाप के साथ जाना चाहे, तो हमारे स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन में ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि हम उसे रोक सकें। वो देखिए आगे, सुनीता देवी, आप अगर मेरे सामने इनकार करें कि वो आपके पति नहीं है, तो मैं सुमित को जरूर रोक सकता हूं। कहिए। गुड आफ्टरनून फादर। गुड आफ्टरनून। माफ कीजिएगा, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। सुमित को खबर करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सवेरे से ही तैयार बैठा है। मेरे ख्याल से उसने आपको आते हुए देख लिया होगा। वो देखिए आ रहा है। हाय मिठुन। पापा, तुमने कितने देर कर दी? हाँ बेटा, जरा देर हो गई। हम अभी चलेंगे ना पापा? अभी चलेंगे बेटा, मैं और तुम। फादर, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। जब कभी आऊंगा तो आपको जरूर मिलूंगा। गुड बाय फादर। गुड बाय। गुड बाय फादर। गॉड ब्लेस यू। फादर,
उन्हें रोकिए, मेरे बेटे को मत जाने दीजिए। सुनीता देवी, जो कुछ हो रहा है सुमित की भलाई के लिए ही हो रहा है। फादर, मैंने जिंदगी में सब कुछ खो दिया है, आज अगर मिठुन को भी खो देना पड़े तो मैं किसके सहारे जीऊंगी फादर, किसके सहारे जीऊंगी? इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता सुनीता देवी, आप खुद ही उनसे क्यों नहीं पूछ लेती? आप चाहें तो दोनों को रोक सकती हैं, या तो आप खुद भी उनके साथ जा सकती हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू। चलो चलो। अमित, अब क्या बात है? अमित, मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछने आई हूं। मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं, क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते? लेकर तो जा रहा हूं रेखा, दिल में एक याद बनाकर। रेखा, यही अच्छा है, इस जमीन पर तुम भी रहोगी मैं भी रहूंगा, फर्क सिर्फ इतना है कि हम दोनों के बीच एक फासला बना रहेगा, और ये फासला बहुत जरूरी है मिथुन के लिए। अब जा रहा हूं तो तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं रेखा। मैं दार्जिलिंग आया था मिथुन से मिलने, उसके दिल का हाल जानने। मैंने देखा कि उसके दिल में तुम्हारे लिए सिवाय नफरत की और कुछ नहीं। मैं ये कैसे बर्दाश्त करता कि हमारी औलाद अपनी मां से नफरत करे? देखो रेखा, तुमने जो कुछ चाहा तुम्हें मिल गया, मैंने भी दिल में दौलत की ख्वाहिश की थी वो मुझे मिल गई, हम दोनों ने जो चाहा वो हमने पाया, लेकिन हम दोनों ने जो खोया है वो इससे कहीं ज्यादा कीमती है। अच्छा हुआ तुम आ गई रेखा, एक जिम्मेदारी तुम पर सौंपना चाहता हूं, इसमें रुपए हैं। कहानी का अंजाम तो तुम्हें मालूम हो ही गया है, सन्याल बाबू से कहकर इस फिल्म को कंप्लीट जरूर कराना, ताकि दुनिया वाले ये फिल्म देख सकें और फिर कोई हमारी तरह भूल ना करे जिसका अंजाम उन्हें यूं चुकाना पड़े। रेखा, लेने आए हैं बहू, आओ। रेखा, ये हमारी मां है,
माँ, एक माँ ही माँ को समझ सकती है। बेटा क्या जानेगा माँ के दिल को। ये लो तुम्हारा बेटा। मिट्टू, मम्मी, मिट्टू, 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 मेरा बेटा।